नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। अयोध्या रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा अयोध्या धाम पहुंची। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा आज अयोध्या पहुंची। यहां पर उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और रामघाट हाल्ट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों के साथ बैठक की। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रेलवे के द्वारा दी जाने वाली श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर मंथन का दौर चला। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के निकट के सभी स्टेशनों की समीक्षा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों को लेकर बैठक में चला मंथन। अयोध्या पहुंची रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि अयोध्या एरिया का निरीक्षण किया गया है। 22 जनवरी के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की है उम्मीद। आने वाले श्रद्धालु और प्रेरकों के सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की समीक्षा की है रही है। अयोध्या क्षेत्र में सभी रेलवे स्टेशनों और रेलवे ट्रैक का चल रहा है अपग्रेडेशन। रेलवे ट्रैक के डबलिंग का कर चल रहा है कार्य। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम पर कहा कि अभी चल रही है वार्ता, फाइनल होने पर किया जाएगा सूचित। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाने की है तैयारी। रेलवे ट्रैक पर चल रहा है कार्य, इसलिए अयोध्या धाम में कुछ ट्रेन टेम्पररी की गई है बंद। 30 दिसंबर को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग को किया जा सकता है हैंडओवर। प्राण प्रतिष्ठा के लिए चालू की जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेन की जाएगी अनाउंस। बुकिंग फुल होने के बाद यदि ट्रैक होगा अवेलेबल तो और स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। आइए जानते हैं जय वर्मा सिन्हा चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने क्या कहा। अयोध्या जिला ब्यूरो चीफ बीसी मिल्हा खान की रिपोर्ट। निरीक्षण है अयोध्या के पूरे एरिया का कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे और टूरिस्ट आएंगे जब यहाँ मंदिर शुरू होगा, तो 22 जनवरी टेंटेटिवली जो प्लान्ड है कि उसके बाद से यहाँ पे बहुत भीड़ आएगी, तो उस भीड़ के लिए जो एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलेंगी और लोगों के आना जाने के लिए जो सुविधाओं की आवश्यकता है उसके लिए हम लोग की क्या तैयारी है। तो ये हमारे जितने भी इस एरिया में स्टेशंस हैं और जितने भी ट्रैक्स हैं उनका अपग्रेडेशन चल रहा है, डबलिंग चल रही है और स्टेशंस में काम चल रहा है, वो आप लोग देख ही रहे हैं, उसी का निरीक्षण है। मैम 30 दिसंबर को पीएम मोदी जी भी आ सकते हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर सकते हैं, क्या है वो? अभी बातचीत चल रही है, जब फाइनल होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ये कितनी ट्रेनें चलाने की योजना है वो सब भी अभी डिस्कशन स्टेज में है, पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम चला सकते हैं उसकी तैयारी है। मैम कुछ ट्रेनें बंद भी कर दी गई है? नहीं, ट्रेनें अभी काम चल रहा है इसलिए कुछ ट्रेनें कुछ दिनों के लिए टेम्प्रेरी बंद है। अयोध्या जंक्शन का जो नया भवन बना हुआ है ये कब तक हैंड ओवर होगा? ये उसी का कार्य देखने के लिए मैं आई हूँ, उसके जो टारगेट्स हैं उसके अगेंस्ट का माना जा रहा है कि 30 तारीख तक ये देखते जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से 22 तारीख को एक बड़ा इवेंट है तो अयोध्या आने के लिए लाखों लोग तो अयोध्या आने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन क्या बुकिंग को लेकर भी कोई नया व्यवस्था बनाई जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि ट्रेनों की जो बुकिंग है वो लगभग फुल होती जा रही है? नहीं, हम अभी सारी स्पेशल ट्रेन अनाउंस करते जाएंगे जैसे जैसे, अगर मान लीजिए कि ट्रेन फुल हो गई और अगर हमारे पास चलाने के लिए पाथ अवेलेबल होगा तो हम और नई ट्रेनें चलाते रहेंगे, ये हमारी पूरी तैयारी यही है। ठीक है, थैंक यू।